हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन आई एम पवन गहुकर येस गाइस थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन माय यूट्यूब लाइव वीडियो फॉर ई एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम यस एंड आई होप अमिट्स द लॉकडाउन आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग वेल यू हैव गॉट एक्स्ट्रा टाइम आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है अराउंड रफली फोर्टी डेज का यू हैव टू मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट राइट नाउ आर एजेंडा आर डोमेन इज हम लोग आज आर टी पी के टू स्टार्ट विथ हम लोग आर टी पी जो आपके एग्जाम के लिए बना है मे 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एडिशन का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन राइट सो गाइस शेल स्टार्ट आई होप एवरी वन एवरी वन इज यालो है निवेदिता ओमकार उमा यस हाई एवरी वन है ठीक है, सेशन और शुड वी वेट कुछ कुछ लोग लेट ज्वाइन करेंगे इसे right, guys. जो लोग करेंगे, उनके लिए मैं एक ठीक है, इसी का डाल दूंगा के, के, हमारा एजेंडा है जितने ज्यादा डेप्थ में हो सकता है उतने ज्यादा डेप्थ में हम आज इसको सॉल्व करते हैं ठीक है तो जो केस स्टडी है ठीक है अगर आपके पास आरटीपी होगा तो

सेक्शन ए एम सी क्यू कोऑपरेटिव बेस्ट केस स्टडी के कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंक का केस स्टडी है तो ऑफ ऑफकोर्स इन मोर ऑफ द केसेस दिस इज रिलेटेड टू कोर बैंकिंग सिस्टम ठीक है अगर हम लोग देखेंगे इसको तो ये जो केस स्टडी है इट इज मोर ऑफ दिस इज द केस स्टडी रिलेटेड टू कोर बैंकिंग सिस्टम चैप्टर आ लेकिन याद रखना ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वो डालेंगे एग्जाम में ठीक है ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर वो एग्जाम में डालेंगे तो आप इस गलत फेमी में मत रहना तो आप इस गलत फेमी में मत रहना कि सारे क्वेश्चन इस केस स्टडी से ही रिलेटेड होंगे पांच क्वेश्चन अगर केस स्टडी से रिलेटेड है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है वो ऐसा ब्लफ बिल्कुल कर सकते हैं कि वो ऐसा ब्लफ बिल्कुल कर सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन पांच में से इस केस स्टडी से कोई रिलेटेड कोई रिलेशन उसका हो ही ना और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग घबरा जाते हैं कि यार ये केस स्टडी का आंसर तो इसमें दिख ही नहीं रहा शायद मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं सो गाइस ठीक है डोंट वारी डोंट वारी अबाउट दैट ब्लफ कीप योर माइंड ओपन हमारे हमारे जो चैप्टर्स है सिलेबस के उसमें से किसी भी चैप्टर्स के साथ इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो डोंट रिलाय एंड entirely on this scenario, case study scenario. इस story पर पूरी तरह rely मत करिए आप case study समझने के लिए चलो case study पढ़ लेते हैं हम लोग A cooperative society in Ghaziabad decides to open a bank named ABC with its two branches located in Noida, UP. The branches of the banks are proposed to be connected to each other. Guys, connection तो रहेगा ही आजकल connection 100% परसेंट रहेगा कोर बैंकिंग सिस्टम का जमाना है हर ब्रांच एक सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड रहेगी और सबका एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन रहेगा इंटीग्रेशन रहेगा तो कनेक्शन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं द ब्रांचेस ऑफ द बैंक एंड ऑल द प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शन सेंट्रल स्कोर बैंकिंग सिस्टम अगर चैप्टर आपको याद होगा तो चाहे कितना भी डायग्राम बना लो सब कुछ अगर इंटीग्रेट करना है आपको तो इट ऑल कम्स डाउन टू द सेंट्रल डेटाबेस ईआरपी चैप्टर में भी हमने सेंट्रल डेटाबेस का काफी कमाल देखा है

ठीक है हमारे सिलेबस में मेजरली दो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू एंड आई टी एक्ट टू थाउजेंड तो यही दो आपके दिमाग में आने चाहिए एंड कंप्लायंस इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सेक्टर मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज एन आई टी हेड टू कैरी आउट फीजिबिलिटी स्टडी ऑफ प्रपोज सिस्टम वट यू मीन बाई फीजिबिलिटी स्टडी क्या ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल है फिजिबिलिटी स्टडी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रपोज सिस्टमिट द रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट ठीक है एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट कुछ क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन के कारण तो बेसिकली आप अभी तो इस सेशन को देख लीजिए इसके बाद में वन जीरो क्वालिटी वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा डोंट वारी ठीक है नो वन कैन हेल्प वेलकम टू इंडिया इज अपॉइंटेड एज एन आई टी हेड टू कैरी आउट फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रोपोज सिस्टम एंड टू सबमिट द रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसायटी आफ्टर द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट फॉलोइंग इशूज आर रेज बाय द मैनेजमेंट ठीक है अब रिपोर्ट सबमिट होने के बाद मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद टॉप मैनेजमेंट में कुछ क्वेश्चन खड़े किए देर में बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सम कॉमन रिसोर्सेज इन नेटवर्क ऐसा हो सकता है कि दो ब्रांचेस ओपन करे तो ये भी ब्रांच उस रिसोर्स के लिए लड़े और ये भी ब्रांच उस रिसोर्स के लिए लड़ रही है डेटा इज सेंट्री लोकेटेड इट मे क्रिएट अ पॉसिबिलिटी फॉर एक्सेस टू नॉन रिलेवेंट डेटा बाय अदर डिपार्टमेंट्स सो ऐसा होता है कि सेंट्रल डेटा बेस है तो नॉन रिलेवेंट डेटा दूसरे डिपार्टमेंट्स को मिल सकता है यह भी एक क्वेरी है उनकी ठीक है इन सबका सोल्यूशन हमारे सिलेबस में दिया है डोंट वरी वट वुडन इफ एन एम्प्लॉई इंटेंशनली डिस्ट्रॉय द इन्फॉर्मेशन हाँ अगर कोई एम्प्लॉय जान बुझ कर डेटा अल्टर करता है डेटा डिलीट करता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन्स होगी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज बिटवीन बोथ ब्रांचेस ऑफ द बैंक ये चार इश्यूज उन्होंने रेस किए और मोस्टली मुझे लगता है कि आर टी पी में जो क्वेश्चन हैं इन चार इशूज से रिलेटेड ही होने चाहिए ठीक है तो बेस्ड ऑन द अब सिनारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अब सिनारियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है केस स्टडी पहले केस स्टडी अच्छे से समझना बहुत जरूरी है ठीक है आपको एग्जाम में पेपर जल्दी मिल जाता है पंद्रह मिनट तो आप उसमें केस स्टडी ढंग से पढ़िए ठीक है थीके? जरूरी नहीं है कि सारे आंसर वहीं छुपे हो लेकिन इश्यू समझना पहले प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट है उसके बाद डायग्नोस करेंगे ओके चलो इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग तो पहला सवाल ठीक है द क्वेश्चन इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन गाजियाबाद डिसाइड्स टू ओपन अ बैंक ये वाला जो केस स्टडी है उससे रिलेटेड इन द पर्व्यू ऑफ द अब केस अंडर विच लीगल प्रोविजन ऑफ आई टी एक्ट टू थाउजेंड द मैनेजमेंट कैन प्रूफ ठीक है द मैनेजमेंट कैन प्रूफ एन एम्प्लॉय गिल्टी फ ही इंटेंशनली डिस्ट्रॉइज और अल्टर द इनफॉर्मेशन रिसाइडिंग इन कंप्यूटर रिसोर्स और हाँ अगर कोई तो मैनेजमेंट का सवाल यह है कि हम लोग उसको कौन से के अंदर पकड़ेंगे अगर उसने डेटा ऑल्टर कर दिया तो या उसने डेटा डिलीट कर दिया तो डेटा ऑल्टर कर दिया तो इंटीग्रिटी इशू डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया तो अवेलेबिलिटी इशू हो जाएगा तो हम उसको कौन सेक्शन के अंदर पकड़ सकते हैं ठीक है कई कौन सेक्शन के अंदर पकड़ सकते हैं हम उसको एनी एनी आंसर्स मैं आपके कमेंट्स में आंसर्स देखना चाहूंगा ऑन गिव मी सम आंसर्स इन द कमेंट कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं अगर व्हाट डू यू थिंक इज योर आंसर कम ऑन ओंकार तमन्ना निवेदिता उमा सुप माइंस एंड मिनरल्स मोहित मोहित क्वालिटी ठीक हो गई आई होप अभी क्योंकि मुझे जो नजर आ रही है क्वालिटी उसमें मैं वीक दिख रहा हूं लेकिन ओके okay, कुछ आंसर्स आ रहे हैं कमेंट्स में यस कम ऑन गाइस कैन इफ यू कैन मेक इट फास्ट तो मजा आ जाएगी ओके okay, प्रसाद गुड आंसर दुर्गेश वेरी गुड दुर्गेश वेल डन मोहित ऑल राइट गाइस सबके आंसर सेक्शन 43 आ रहा है अब गाइस अगर हमारे नोट्स का पेज नंबर 211 ओपन करेंगे ठीक है नोट्स का 200, तो सेक्शन फोर्टी प्रोवाइड्स फॉर पेनालॉल्टी फॉर कंपेंसेशन फॉर डैमेज टू द कंप्यूटर ठीक है तो इसके अंदर अगर आप ये पॉइंट देखेंगे इसके अंदर ठीक है अगर आप ये पॉइंट देखेंगे ये वाला अगर ये वाला जो कंप्रॉयस डिलीट और अल्टर इन इंफॉर्मेशन ठीक है सो दैट द वैल्यू इज रिड्यूस्ड सो गाइस द आंसर इज सेक्शन 43 सेक्शन 50 सेक्शन 65 तो आंसर हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज रिलेटेड विद विद द सोर्स डॉक्यूमेंट ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है भैया व्हाट इज दिस सोर्स डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट यानी किसी भी किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर कोड तो किसी ने अगर सोर्स कोड के साथ छेड़खानी की तो 65 आता है 65 ये कोड है 65 फाइव वहां पर आता है लेकिन अगर ठीक है हम लोग टैंपरिंग सोर्स कोड के साथ नहीं कर रहे हम वो बंदा सिर्फ डेटा बैंक का सिर्फ डेटा डिलीट कर रहा है तो 65 ऑफ क्वेश्चन और कौन सा ऑप्शन है उसमें और कौन सा ऑप्शन है केस स्टडी में केस स्टडी में और ऑप्शन है सेक्शन सिक्सटी सिक्सटी सिक्स इज प्राइवसी तो तो ये अजीब तो ही सेक्शन है इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है और एक उन्होंने सेक्शन दिया सेक्शन सिक्सटी चोर आइडेंटिटी वाला सेक्शन है ये सो so गाइस इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं लग रहा है मुझे ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज आंसर ए सेक्शन फोर्टी थ्री तो गाइस ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे इस बार डायरेक्ट सेक्शन फोर्टी थ्री डायरेक्टली याद आ गया ऐसा हो सकता है कि आपको ठीक है ऐसा हो सकता है कि आपको कोई आंसर ठीक है क्लिक ना हो रहा हो तो अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को हमको सेक्शन 66 सिक्स ई और 66 सी याद है लेकिन हमको कन्फ्यूजन है 65 और 43 में तो एक काम करो पहले तो पहले तो ऐसा कर दो कि यार ये दो जब आपको कन्फ्यूजन होता है तो पहले कैसे अप्रोच कैसा यूज करेंगे हम लोग 66 ई और 66 सी तो है ही नहीं तो ये दो तो काट दो अब बचे ए और बी में से तो अगर तुमको मान लेते हैं वर्ष टू वर्ष सीनारियों में मान लेते हैं अगर तुमको तुक्का मारना भी है अगर तुमको तुक्का मारना भी है तो ए और बी में से मारना पड़ेगा तो पहले जो तुमको लगता है कि आंसर बिल्कुल ही नहीं उनको हटा दो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड ठीक है तुक्का मारो आप कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन उसमें भी पूरे लॉजिक्स लगाओ पूरा नॉलेज यूज करने की कोशिश करो ऑल राइट आई होप हाँ ये सिक्सटी सिक्स इज प्राइवेसी यस सोमकार ठीक है और राइट देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स जस्ट अ मोमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स शल बी इंप्लीमेंटेड इन बोथ द ब्रांचेस ऑफ एबीसी टू सप्रेस द रिस्क ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस टू नॉन रिलेवेंट डेटा बाय अदर डिपार्टमेंट्स का इस पढ़ो ये क्वेश्चन जल्दी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल शल बी इंप्लीमेंटेड बाय बोथ द ब्रांचेस टू सप्रेस द रिस्क ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस टू नॉन रिलेवेंट डेटा बाय अदर डिपार्टमेंट यानी क्वेश्चन क्या है कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को नॉन रेलेवेंट यानी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखो अगर आपको याद होगा तो हमने क्लासरूम सेशंस में वीडियो सेशंस में पेनड्राइव सेशंस में एग्जाम्पल लिया है कि एक एचआर मैनेजर को क्या हम लोग फाइनेंस की इंफॉर्मेशन देंगे नहीं देंगे क्योंकि एच मैनेजर के लिए बैलेंस शीट एक नॉन रिलेवेंट डेटा हो सकता है अगर उसको जरूरत नहीं है पता होने की तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कई प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स विद वेल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल्स यह आंसर पूरी तरह मैं ये नहीं कहूंगा कि आंसर पूरी तरह गलत है ठीक है क्लियर डिफाइनिंग ऑफ चेंज कंट्रोल प्रोसीजर एंड होल्डिंग एवरी वन टू दैम का इस चेंज कंट्रोल का कोई लेना देना ही नहीं है इस सिनेरियो से तो ये भी आउट ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है तो बी तो बी पॉइंट तो गया बैकअप अरेंजमेंट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग अगेन किसी बंदे को इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए अननेसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए इसका बैकअप से कोई लेना देना नहीं है तो ए वाला जो पॉइंट है वो अभी भी मुझे थोड़ा सही लगता है ठीक है कि लोगों को ट्रेनिंग दो कि इंफॉर्मेशन ना बांटे ठीक है और तीसरा एक्सेस राइट नीड टू बी डिफाइंड वेरी केयरफुली एंड टू बी गिवन ऑन नीड नीड टू टू नो एंड डू गिवेड ये पॉइंट पढ़ने के बाद ये पॉइंट बहुत ही बेसिक लग रहा है दिस इज द करेक्ट आंसर वॉट इज द करेक्ट आंसर वट यू थिंक यू थिंक द करेक्ट आंसर यस ओमकार एकदम परफेक्ट आंसर दिया है तुमने रबीए सी सबने सही आंसर दिया है आंसर इज डी एक्सेस राइट नो बी डिफाइंड वेरी केयरफुली ऑन ऑन एक्सेस राइट नीड्स टू बी डिफाइंड वेरी केयरफुली ऑन नीड टू नो बेसिस एंड नीड टू तू अपने काम से काम रख आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं देंगे कम इंफॉर्मेशन भी नहीं देंगे जितनी इंफॉर्मेशन आपके काम की है उतनी इंफॉर्मेशन देंगे यस yes, गाइस ठीक है द करेक्ट आंसर इज डी ठीक है तो अगर इफ यू कीप इट कूल अगर आप शांत दिमाग से सोचे ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी डिफिकल्टी जाएगी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में इफ यू थिंक इट स्ट्रेट इफ यू थिंक इट विद अ वेरी कूल माइंड आई गेस इट कैन बी वेरी इजी फॉर यू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा एक जनरल क्वेश्चन है द फीचर कई द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी फेयरली जनरल ठीक है Which talks about the feature of internet banking through ABC Bank's website allows ease and convenience to the customers. Which of the following is not a limitation of internet? अब मुझे बताइए, इस पॉइंट का इस केस स्टडी से कोई लेनदेन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन एकदम, ठीक है? The question is which of the following is not a limitation of internet banking? याने इंटरनेट बैंकिंग की लिमिटेशन कौन सी कौन सी नहीं है पहले तो इंटरनेट बैंकिंग इज डिफिकल्ट फॉर टेक्निकल डिफिकल्ट फॉर टेक्निकल पर्सन रिस्क ऑफ डेटा भी एक लिमिटेशन है इंटरनेट की तो हमें लिमिटेशन जो नहीं है वो ढूंढनी है ठीक है क्वेश्चन थोड़ा डबल निगेटिव है ठीक है Then, हाँ, जब सब कुछ ऑनलाइन होता है तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते तो इस पॉइंट को भी रखे रखते हैं ओवर स्पेंडिंग ऑनलाइन बैंकिंग से ओवर स्पेंडिंग हो जाती है जी हाँ कार्ड वगैरह हम लोग अंधाधुन स्वाइप कर लेते हैं क्योंकि पैसे दिखते नहीं है पैसे दिखते नहीं है तो हम लोग अंधाधून कार्ड स्वाइप करते हैं एंड दिस इज नॉट नॉट वेरी 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 गुड सो गाइस अगर हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है द करेक्ट आंसर इज सी ठीक है रिटर्न रिकॉर्ड नीड नॉट बी मेंटेन जब सब कुछ सिस्टम बेस्ड होता है कुछ मैनुअल नहीं होता तो आपको राइटिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं एंड दैट इज अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एंड नॉट अ लिमिटेशन अब एग्जाम में एक्सीडेंट पॉइंट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग हम लोग पढ़ते पढ़ते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग ऐसा बोल देते हम सीधा पता नहीं क्यों नॉट हमसे मिस हो जाता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़े एमसीक्यू में हम लोग थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कम समय में ज्यादा मार्क्स का स्कीम होता है एमसीक्यू ठीक है सो गाइस दैट्स द आंसर थर्ड क्वेश्चन का आंसर है रिटर्न रिकॉर्ड नॉट टू बी मेंटेन उसके बाद वी मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन आई होप थिंग्स आर करेक्ट ठीक है यस yes, ओमकार ने सही कहा डॉक्टर ओवरिंग वाले क्वेश्चन में हमने ये कवर किया है परफेक्ट गुड 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 तो गाइज अगर आपकी थरो रीडिंग है तो एमसीक्यू का क्वेश्चन गलत नहीं होता है टॉप मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इट्स कंसर्न ओवर एन ऑपरेटिव रिलेटेड टू कंफ्लिक्टेरिंग ऑफ कॉमन रिसोर्स इन नेटवर्क बिटवीन इट्स टू ब्रांचेस सिलेक्ट द टर्मिनोलॉजी रेफरिंग द अब कंसर्न गाइज गाइज क्वेश्चन पढ़ो टॉप मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेज इट्स कंसर्न over the issue related to conflict of sharing of common resource guys common database hai aur agar aap case study dhang se padoge common database hai aur do branches common database ko access karne wale hai common database hai aur do banks do branches उस कॉमन डेटाबेस को एक्सेस करने वाले है. आराम से सोच के मुझे बताओ कि इन सारे MCQs में इन सारे एमसीक्यूज में सबसे डिफिकल्ट एमसीक्यू ठीक है मुझे यही लगा है सारे एमसीक्यूज में सबसे डिफिकल्ट एमसीक्यू जहां पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है चलो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आपको सोर्स बताता हूं देखो कोर बैंकिंग सिस्टम का एमसीक्यू बेस्ड के स्टडी दिखाई दे रहा है वो लेकिन ये क्वेश्चन उन्होंने फर्स्ट चैप्टर से उठाया है इंफॉर्मेशन सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ दिस नेटवर्क इज मॉडल टूटोइंग से रिसोर्स तो, एक है और नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है रिसोर्स एक है और नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है राउटिंग में ट्राफिक मैनेजमेंट होता है ठीक है डेटा कहां से कितना जाएगा राउटिंग में ट्राफिक मैनेजमेंट होता है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है तो राउटिंग ऑप्शन हट जाता है यानी द कैपेसिटी ऑफ द चैनल तो यह भी concept, ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है और उसके बाद ठीक है एक पॉइंट है लिमिटेड चैनल देखो यहां पे नंबर ऑफ यूजर्स कितने नंबर ऑफ यूजर्स है सिक्स नंबर ऑफ यूजर्स और यहां पे चैनल कितने चार अब सिक्स नंबर ऑफ यूजर्स है और नंबर ऑफ चैनल चार है इसका मतलब दो लोगों को जो रिसोर्स है वो कॉमन मिलेगा दो लोगों को जो रिसोर्स है वो कॉमन मिलेगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी Guys, ये जो पॉइंट था वो था कंटेंशन का पॉइंट आप एक बार रेफर कर लो कंटेंशन के पॉइंट को इट रेफर्स टू द सिचुएशन दैट अराइजेस वेन देर अ ऑफ सम कॉमन रिसोर्स इन द नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क कंटेंशन कोड अराइज वेन टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम ट्राई टू कम्युनिकेट एट द सेम टाइम सो गई रेजिलियंस तो अलग ही कंसेप्ट है रेजिलियस का इससे कोई लेना देना ही नहीं था ठीक है हमने फेसबुक वाला जो एग्जाम्पल देखा था कैलिफोर्निया मैनहैटन लूलिया स्वीडन चलो द आंसर इज बी कंटेंशन द आंसर इज बी कंटेंशन यस तो कंटेंशन वाला जो पॉइंट है वो यहां केटर होता है ओके सो गाइस देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ क्वेश्चन का केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं रहेगा अगर आप इस क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा पूरा कोर बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन उठाया गया है ओके okay? चलो लास्ट क्वेश्चन विच इज इजी बट मेड ट्रिकी इन बोथ ब्रांचेस ऑफ एबीसी ऑल द फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन यानी परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट विल बी रिकॉर्डेड एस ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू सर्टेन रिस्क अंडर कैटेगरी दिस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है ठीक है अब मेरी बात सुनो हम लोग असेट खरीद रहे हम लोग असेट खरीद रहे ये एक ये एक जनरल एंट्री जैसी एंट्री होगी इसका ट्रांजैक्शन से और मास्टर से कोई लेना देना नहीं है ट्रांजैक्शन फिक्स एसेट और मास्टर फिक्स एसेट ये गुमराह करने के लिए दिए हुए ऑप्शन है ठीक है अब जब हम लोग नॉर्मल डेटा एंट्री कर रहे हैं हम लोग जब असेट परचेस करेंगे तो वो जो एंट्री होगी वो हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग जब एसेट खरीद रहे हैं तो हम लोग एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है थीके? अगर हम लोग सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं सिस्टम की तो वो कॉन्फ़िगरेशन जनरल लेजर की कैटेगरी में जाएगा लेकिन हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग सिस्टम की कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंज नहीं कर रहे तो ये भी आंसर नहीं है इट इज जनरल जनरल ट्रांजैक्शन एंड देर बाय इट इज अ कंट्रोल रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन जनरल लेजर कईस कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसमें और इसमें यह दो पॉइंट तो गुमराह करने के लिए दिया है कैस द करेक्ट आंसर ठीक है द करेक्ट आंसर इज ट्रांजैक्शन जनरल लेजर ओके और राइट काइस सो दैट वॉज इट आर फर्स्ट यूट्यूब लाइव सेशन फॉर इंड We'll have more of such live sessions. Take care.